यही ख्याल दिमाग में आ गया कि अगर भैंस मर गई और मेरा नुकसान हो गया, यही सोच के मैंने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो जो 5% लोग हैं ये पॉजिटिव सोचते हैं और 95% लोग नेगेटिव सोचते हैं। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप है बड़ा सोचना। ये जो 5% लोग हैं बड़ा सोचते हैं और 95% लोग बहुत ही छोटा सोचते हैं। फिर एक कहानी। एक व्यक्ति गांव का रहने वाला बहुत गरीब था और शहर में नौकरी करने के लिए निकला। ट्रेन का सफर था, भूख लग गई रास्ते में। उसने टिफिन खोला, रोटी निकाली और टिफिन में कोई सब्जी वगैरह कुछ नहीं थी, सूखी रोटी थी। उसने रोटी को लिया और टिफिन पे घिस के खाने लगा तो बराबर में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। कहते यार तुम्हारे टिफिन में तो कुछ नहीं, तुम ये क्या घिस के खा रहे हो? कहता जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि टिफिन में अचार है और जब मैं रोटी को ऐसे घिस के खाता हूँ तो मुझे अचार का स्वाद आता है। तो उससे पूछा क्या सच में अचार का स्वाद आता है? तो बोला जी हाँ बिल्कुल अचार का स्वाद आता है। कहते फिर तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, अगर सोचने से अचार का स्वाद आता है तो शाही पनीर के बारे में क्यों नहीं सोचते? उसी तरीके से 95% लोग कभी बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं। बड़ा सोचने पे आज भी कोई टैक्स नहीं है कि आपने BMW का सपना लिया और सुबह कोई आपके घर पे पहुंच गया कि तूने BMW का सपना लिया, चल जेल के अंदर करते तुझे। पर ये 5% लोग जो हैं ये बड़ा सोचते हैं। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ये जो 5% लोग हैं ये जानते हैं कि शब्दों का क्या महत्व है, ये हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। और 95% लोग जो हैं हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, हमेशा रोना लगा रहता है उनका जीवन में, कभी राजनीति के ऊपर कभी व्यवस्था के ऊपर, पर ये 5% लोग पॉजिटिव बात करते हैं। हमने अक्सर सुना है, सत्संग में भी सुना है कि सरस्वती जी 24 घंटे में एक बार हमारी जीभ के ऊपर विराजमान होती है। चाहे तो उस दौरान आप ये बोल लीजिए हाय माँ मर गई, हाय मेरा तो पैर टूट गया, हाय मेरी तो किस्मत ही खराब है, या उस समय में आप धन्यवाद कर लीजिए कि मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये 5% लोग यही काम करते हैं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड के ऊपर बहुत काम करते हैं।